और आई थिंक वो ही सी. ओह माय गॉड, मुझे यही से दिख रहा है, मुझे यही से दिख रहा है. आई एम सो एक्साइटेड. माय गॉड, क्या दिख रहा हूँ मैं. फंस गया यार, ये फंस गया. हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग. तो कैसे हो आप लोग आज? अभी रात बजे, रात के 10 बजा है और मैं कहीं जाने के लिए निकलने वाला हूँ. और मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा सी. सी मैंने कभी देखा नहीं. मेरा सेकंड यूटी होगा. पौंडीचेरी जा रहा हूँ. जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ. तो मैं एक्चुअली आई एम इन अ मिशन. हम लोग कंट्री का इच एंड एवरी कॉर्नर मैं विजिट करना चाहता हूँ. तो अभी तक मैं जो जो स्टेट्स और यूटी घूमे ना, आपको यहाँ देखने को मिलेगा. फिलहाल मैं बेंगलोर हूँ. अभी कपड़े वपड़े पहन लेते हैं, नहीं तो बस छूट जाएंगे. चलिए. यो, आई एम रेडी. चलिए चलते हैं. कहाँ जा रहे हैं सर? हम जा रहे हैं पौंडीचेरी. अकेले? अकेले जा रहे हैं सर. बहुत टाइम बस सोलो ट्रिप कर रहा है. आई एम रियली एक्साइटेड. ओ, हम लोग अभी निकलने वाले हैं. हम लोग मतलब मैं अकेला जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ड्रॉप करने बाबू जा रहे हैं. 2 बजे जा रहे हैं भाई. यहाँ से 5 किलोमीटर ना? 6-7 किलोमीटर होगा. ओके. बाय बाबू. बाय बाय बाबू. बाय जी दादा. सी यू आफ्टर ट्रिप. ओ, मैं पहुँच गया बस स्टैंड. वही लोग भाई जी बोल दिया अभी गाड़ी के लिए वेट करूँगा. देन उसके बाद पौंडीचेरी. I look out across the water. I smell the sun. Hello guys. Good morning from पौंडीचेरी. और फिलहाल बस में बैठा हूँ. बस के अंदर ही अभी तक उतरा नहीं और बस 5-10 मिनट में बस स्टेशन पहुँच जाएंगे. कैसा हॉस्टल? तो बस स्टैंड में मैं मतलब बस स्टैंड के पास ही वो लोग रुके हुए थे. तो मैंने सोचा कि बस स्टैंड लेके जाएगा, लेकिन वो लोग बस स्टैंड नहीं गया, वहाँ से और दूसरे सिटी जा रहा है. मैं क्या किया, रास्ते में मैं उतर गया क्योंकि बहुत डायरेक्शन अलग दिखा रहा था. मैं गूगल में भी चेक कर रहा था, थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया था. फिर ऑटो लेके मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ सिटी की तरफ. और मेरा जो हॉस्टल मैंने बुक किया था मिकासा, तो वहाँ जा रहे हैं. What language you speak here? What language? Like Tamil, Kannada? What level for us? भाषा कौन सा बोले जाते हैं यहाँ? You understand Hindi? No, only Tamil. Tamil, okay. तो मिकासा हॉस्टल यही है. पहुँच गए 7:30. फ्रेश होने देंगे बोल रहा था, लेकिन अभी 6:30 बजा है. Let's see क्या होता है. मुझे तो बस पॉटी वोटी करना है, हल्का होना है और स्कूटी लेना है. थैंक यू. आई जस्ट नीड टू रिफ्रेश. कैन आई टॉक विद देम? लाइक हल्का पोटी चूसू. आई हैव बुकिंग. बोला कि जाके बाथरूम यूज कर लो. 7:30 के बाद ही मतलब यहाँ अलाउ करते हैं ना. ये बाथरूम है, पोटी वोटी हल्का वल्का बोलते हैं, उसके बाद आप कर लेंगे. हॉस्टल का ये है, चेक इन है 12:30. 7:30 तक रिफ्रेश होने देते हैं. तो मैं रिफ्रेश तो हो लिया, पोटी वोटी कर लिया, फिर अभी मैं स्कूटी रेंट लेता हूँ. और पहली बात तो है वेलकम टू पौंडीचेरी. मेरा जो मिशन है ना, उसके लिस्ट में और एक जुड़ गया, दिस इज पौंडीचेरी. ये लिस्ट आप लोग दिखा देता हूँ पूरा. ये ऊपर से नीचे आपको दिखेगा. भैया स्कूटी रेंट हो? ओके, कम कम कम. Scooty 400 300 no 4 people student yaar online padhiye mara bhaiya nahi tamil la bhaiya na nahi hindi mein bhaiya ha tamil mein anna brother anna okay anna 300 anna soli kodra anna take 300 ma student no I will provide it स्कूटी मिल गया.
टू डेज़ के लिए 650 400 बोल रहे थे, तो थोड़ा बार्गेनिंग करके 650 कर लिया टू डेज़ के लिए। पर डे 400 बोल रहे थे। तेल डाल दिया 200 रुपये का, फिर मतलब लोकेशन डालता हूँ, मैं रॉक बीच जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम बीच में। आई एम सो एक्साइटेड। भाई पॉन्डिचेरी में बाइक बाइक मतलब ये देखिए, ये गलियारों में भाई। और मैं थोड़ी देर में आई थिंक सी देखने वाला हूँ, सी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सी देखने वाला हूँ। माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड। सी के साथ बीच, वाओ। तो अभी पहुंचने वाले हैं। भाई मैंने अपना स्कूटी यहाँ पार्क कर लिया और आई थिंक वही सी। ओ माय गॉड मुझे यही से दिख रहा है, मुझे यही से दिख रहा है। आई एम सो एक्साइटेड। माय गॉड क्या दिख रहा हूँ मैं, मैंने कभी सी नहीं देखा यार। आई एम रियली एक्साइटेड, रियली एक्साइटेड। मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने कुछ पानी भी पिया नहीं, पता है पानी बॉटल भी लेके नहीं आया था, कुछ खाया भी नहीं पहुँच के, मुझे बस सी देख। ओ माय गॉड दिस इज सॉरी भाई, मैं आप लोग बता नहीं सकता, भाइयों बहनों आप लोग बता नहीं सकता मुझे कैसा लग रहा है। वाह मैं कभी सी देखा नहीं, दिस इज माय फर्स्ट एवर सी एक्सपीरियंस। और मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। वाह आप लोग दिखाते हैं इन 2 3 1 गो। यही है समंदर और हम हैं किनारे, समंदर के किनारे, समंदर के किनारे। और भी ओ ये देखो टर्टल, ये मूव कर रहा था, आप लोग देखना चाहोगे? मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता लेकिन ये मूव करता है। ये देखिए, ओ फंस गया यार, ये फंस गया। इसको कुछ करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ ये फंस गया, यहाँ कुछ है, ये वायर्स ये फंस गया, निकालना पड़ेगा पहले तो। मुझे नहीं पता ये काटता है कि नहीं, अगर ये छोटा सा है तो इसको निकाल के ना समंदर में छोड़ना चाहिए। ओ बेबी ओ शिट, ये देखिए यहाँ फंस गया। देखिए ओ डियर आई एम सो सॉरी, तुम कैसे फंस गया ऐसा, हम छोड़ देंगे तुम्हें, टेंशन मत लो। ओ माय गॉड अरे इसके लिए तो चाकू चाहिए होगा। डू आई हैव समथिंग, किसी से काटना पड़ेगा मेरे को तो। ये देखिए ना, बहुत खतरनाक से इसका इस पर नेट लग गया। देखिए सॉरी आई एम टचिंग यू बिकॉज़ आई एम हेल्पिंग यू। पहले इसको यहाँ से निकाल। ओ देखिए ऐसा पेड़ है, वो यहाँ अटक गया। रुको बेबी, रुको आई एम हेल्पिंग यू प्लीज। खुल रहा है, ऑलमोस्ट है बेबी या ऑलमोस्ट है, यस। अरे यार खुशी, ऑलमोस्ट ये चलो समंदर चलो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। चलो आई ड्रॉप यू होम। पहले मैं शुरू बोलता हूँ, आई ड्रॉप यू होम, ये तुम्हारा घर है, चलो आई ड्रॉप यू। पानी आएगा फिर तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है? ये पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। हाँ
गया गया। घर वापस चला गया बंदा, अच्छा लगा। बेचारे फंस गया था और उसको आजाद करके पता नहीं अंदर से एक खुशी आया, एक खुशी मिलता है ना। है मेरा फर्स्ट समंदर एक्सपीरियंस और मैं आके ऐसा लगा कि मुझे कुछ अच्छा किया तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये समंदर दिखाते हैं, नहीं आ रहा है। माय गॉड, वेज देखो भाइयों बहनों, मैंने एक्साइटमेंट में आके ना ऐसा हरकत कर दिया कि पता नहीं मेरा एक्शन कैमरा अभी ठीक है कि नहीं। मैं दिखाता हूँ क्या किया मैंने। मैं ये मेरा एक्शन कैमरा है, ये वो एक्चुअली वाटरप्रूफ है, ठीक है। वाटरप्रूफ तो है लेकिन एक कंडीशन में, इसका जो ये चार्जिंग पोर्ट है ना और यहाँ एसडी कार्ड भी जाता है, चार्जिंग और एसडी कार्ड। तो इस पर ना मैं जब स्कूटी राइड कर रहा था तो मैं चार्ज पे लगाया था, तो चार्ज में लगा के एक मतलब सेमेंटेनियसली यूज़ कर सकते हो, तो मैं यूज़ कर रहा था। फिर मैं यहाँ आया समंदर पे, फिर एक्साइटमेंट, इतना एक्साइटमेंट है कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं ये कैप खोल के रखा था, ठीक है, क्योंकि मैं चार्जर अनप्लग कर दिया था। फिर मुझे याद नहीं रहा, फिर मैं जाके ऐसे ही मैं पानी में डुबो दिया। फिर मुझे बाद में जब स्क्रीन देखा तब बोल रहा कि एसडी कार्ड एरर। फिर मैंने चेक किया, भाई साहब अभी पता नहीं कि मेरा ये काम करेगा कि नहीं। और वो बात छोड़िए, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ऐसे बोलते हैं हमारे शुभम भाई। तो अभी पहले आप समंदर का नज़ारे देखिए, वो सब छोड़िए। He is not married, okay, he is single. And later when I put the camera in front of him, and he was like, no, don't, I have two children. Two kids. Super. It was nice meeting you. Ratna, right? Kavi. Wow, nice name. Yeah, he is a poet. And here, sir. Send him. Bye-bye, take care. Logo se mila, local Tamil se. तो अच्छा लगा और ऐसे बातें किया। अभी समंदर के बीच में ऐसे चल रहा हूँ, बीच में मतलब समंदर के किनारे और भी नमकीन हो गई है, बहुत नमकीन है, इसके अंदर पानी घुस गया था, ठीक है। तो यहाँ से पानी घुस गया था ना, तो मैंने ऐसे मुंह से ऐसे निकल रहा था, तो बहुत सॉल्टी था। फाइनली ये क्लिप आ गया और ये ब्रिज है, आपको ब्रिज दिखेगा, ये बीच में जो टूटा है। तो आप ना ऊपर से पता नहीं जा, आई थिंक गेट क्लोज है वहाँ, तो नीचे से जा सकते हो। और वहाँ कुछ लोग मैंने देखा था वो नीचे तक वो वहाँ पहुँच गया, देखिए वाओ। और देखिए ऐसा आप लोगों को यहाँ मिलेगा, उस तरफ भी पत्थर जैसे मिलेगा लेकिन इस तरफ बालू है। लोग पूछते हैं ना मतलब तुम बीच पर्सन हो कि माउंटेन, तो उसका जवाब कभी नहीं होता था, आई थिंक अभी भी नहीं है मेरे पास। मैं माउंटेन बहुत बार गया हूँ, माउंटेन्स लाइक माउंटेन्स पे मैंने अपना ग्रेजुएशन भी किया शिलोंग में। सो माउंटेन्स अभी तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि माउंटेन्स मेरे दिल में कुछ अलग ही जगह रखता है। और सी मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है एंड रियली अमेजिंग, मतलब अंदर से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं फर्स्ट देखा तो वाओ, ठीक है ना। आप दूर तक देखिए, मतलब दूर तक देखो कुछ नहीं दिखाई देता, बस पानी, मतलब कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। हर चीज़ का कुछ अलग अपना खासियत होता है। आप माउंटेन्स जाओ या सी जाओ या सी बीच जाओ, कहीं भी जाओ, सबका अपना एक खासियत होता है, अपना एक स्पेशलिटी होता है। सो कंपेयर नहीं कर सकते, अलग अलग फीलिंग है। मछली पकड़ने के लिए समंदर कुछ अलग है।
मतलब ये काले काले पत्थर है, तो ऐसे आके वो पानी देखे उछल गया। भीग गया। देखिए पानी वानी गिर गया, क्योंकि मैं थोड़ा पास गया था, सोचा कि बच जाऊंगा, लेकिन बचा नहीं, सागर ने मुझे अपना बना ही लिया है। और अभी काफ़ी टाइम हो गया, 9 बज गया, मैं सुबह से एक्साइटमेंट में ना पानी पिया ना कुछ खाया, तो अभी जाके कुछ खाते हैं, पानी वानी पीते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। इसी के सामने आपको ऐसे दुकान सारे मिल जाएंगे हैंडीक्राफ्ट का, कुछ आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो सोवेनियर। और ये चलने का अच्छा रास्ता बनाया है यहाँ, तो रात को आई थिंक अच्छा लगेगा, लाइट जलेगा यहाँ। देखिए यहाँ भी आप लोगों को दिखाते हैं इस तरफ, शाम को अंधेरा होने के बाद यहाँ सारे लाइट जलेंगे, तो काफ़ी अच्छा होगा फॉर श्योर। तो मैं शाम को आने का कोशिश करूँगा यहाँ। फिलहाल टेम्परेचर कितना है मुझे तो नहीं पता, लेकिन देखिए पसीने पसीने हो रहा हूँ, मतलब पसीने छूट रहे हैं। तो बोलते हैं कि पौंडीचेरी विजिट करने का सबसे अच्छा टाइम है मार्च तक, आई थिंक अक्टूबर से मार्च तक, तो मैं आ रहा हूँ अभी अप्रैल, आज 2 तारीख है, तो मैं अप्रैल को आ रहा हूँ, तो ये कारण ज़्यादा गर्मी है। तो आप लोग आओ तो मार्च से पहले आ जाना, थोड़ा गर्मी है, लेकिन कोई नहीं, इसके लिए तो ये गर्मी भी सह सकते हैं हम। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, बस अभी तरबूज वाटरमेलन खा लिया था 20 रुपये का। तो अभी चलते हैं एक सस्ती सी रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, क्योंकि बजट ट्रेवलर हो यार, लिमिटेड बजट होता है, कोई नहीं, चलिए ढूंढते हैं। पीछे ये अंकल के यहाँ मैं ब्रेकफास्ट कर लिया, इडली 4 इडली खा लिया। अभी मैं सोचा हूँ व्हाइट टाउन में एक्सप्लोर कर लूँ, क्योंकि मेरा चेक इन टाइम अभी बचा है 1.5 घंटे के आसपास, तो व्हाइट टाउन यहाँ से शुरू होता है, तो वो वाली गली से ऐसे एक मतलब एक एरिया है, तो उसको व्हाइट टाउन बोलता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, तो मैं स्कूटी से बस एक्सप्लोर कर लेता हूँ।